हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अक्षय तृतीया का त्यौहार है, यानी कि भगवान परशुराम जी की जयंती है। तो भगवान परशुराम की जयंती का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी पेपर सेकंड, किसका? बीएससी फर्स्ट ईयर का। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको सामने कराएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके लिखता जाऊँगा, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है? मैं बुक में से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई क्वेश्चन जो रिपीट होने हैं, जब 100 पेपर करने हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं, ठीक है? बाकी जो बता रहा हूँ वो कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, जो छोटे क्वेश्चन में बनता है, ठीक है? द्वितीय तुलना परीक्षण या प्रथम तुलना परीक्षण, दोनों में से कोई भी, प्रथम व द्वितीय तुलना परीक्षण की परिभाषा, तुलना परीक्षण की परिभाषा, ठीक है? नंबर सेकंड है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का प्रूफ, ठीक है? हाँ, प्रूफ बताना है, यानी कि 1/n की पावर t बराबर 1/1 की पावर p 2 की पावर p 3 की पावर p, ये सब जो चलता रहता है, ये कैसे आया ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन है नंबर थर्ड, बाकी एग्जांपल्स है ना, बताओ करना ही है, ठीक है? उनमें से एक आधा एग्जाम मैं बताता हूँ, मोस्ट ये तो एग्जांपल्स तो आपको करने ही होते हैं भाई, देखो, ठीक है? अभिसरण ज्ञात कीजिए, अभिसरण ज्ञात करो। तो इनमें क्या है कि एक्सरसाइज आपकी 10 है भैया, मैं जेपीएस की बात करता हूँ, ठीक है भाई? जेपीएस की बात करता हूँ तो एक्सरसाइज जो है वो 10 है, शेडी वाली। तो 10 एक्सरसाइज में जो नियम है आपके, ठीक है, एक नंबर के वो सवाल आ सकते हैं, जैसे आप दिल्ली नंबर पास परीक्षण, कोशी रूट टेस्ट, ठीक है, और भी है अपने पास गोस टेस्ट, ठीक है, रॉबी टेस्ट। तो ये गोस टेस्ट जब बात आती है, एकांत श्रेणी की बात आती है, तो इस पर सवाल काफी अच्छे बनते हैं, ठीक है? गोस परीक्षण पर सवाल जो भी है, गोस परीक्षण पर आधारित सवाल, ठीक है, और एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी पर तथा, ठीक है, ये लास्ट के दो एक्सरसाइज बनते हैं, इस पर सवाल काफी अच्छे बन जाते हैं, क्लियर? बाकी एग्जांपल्स सभी आए हुए उदाहरण, ये आपको करने ही करने हैं, उदाहरण कर लोगे आए हुए भी, तो जो नहीं आए हुए वो भी आपसे हो जाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आए हुए ही कर पाएंगे सर जी, बस वही रट के जाओगे तो फिर वही हो पाएंगे, जो समझ के जाएगा उसे कुछ सवाल भी करवा लो, ठीक है? समझ आई बात? कोई दिक्कत नहीं, आए चलते हैं। इसके साथ ही चैप्टर नंबर आ रहा है हमारे पास 5th, ठीक है? तो मैं रेस कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? वीडियो को पोस्ट करके कैसे भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सरसाइज है 5th, ठीक है भाई? 5th एक्सरसाइज है हमारे पास, और वो है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन। मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से तो हर बच्चे को सवाल आता होगा, ज्यादा मुझे खास मतलब लगता नहीं कि हार्ड को लगता होगा, है?
तो इसमें से देख लेते हैं भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में सबसे पहला पहला सवाल होता है हमारे पास जो अवकलन करना होता है हमारे को, है ना। अवकलन करना होता है फिफ्थ एक्सरसाइज का ए जो है अपने पास, सवाल है हमारे पास यू बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है, देन x डेल स्क्वायर u अपॉन x स्क्वायर, सॉरी डेल x डेल बाय डेल z, y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल z डेल x, या z डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y, इस तरह के सवाल है आपके पास, ये आपके पास आ सकते हैं। सेकंड नंबर सवाल है हमारे पास इसमें x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c, then show that del square z upon del x del y बराबर minus x log px का इनवर्स, ठीक है। नंबर थर्ड है आपके पास थीटा बराबर आर टी की पावर एन टी की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर टी, तो एन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, वन अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर बराबर डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। फिर आ जाती है इस, ये तो इसी तरह के सवाल बता रहा हूँ, ये थोड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं भाई, सवाल कोई सा आ सकता है मतलब करने वाला, बड़े सवालों का बता रहा हूँ मैं ना। फिर आता है आयलर प्रमेय, आयलर प्रमेय पर आधारित सवाल, ये तो इंपॉर्टेंट है, और प्रमेय का प्रूफ भी आएगा ना, का प्रूफ और इस पर आधारित बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आएंगे। ये तो भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो या घोट के पी जाओ इसको, तो सुधा आप घोट के पी जाओ बढ़िया रहेगा ना। इस पर सवाल कैसे आएंगे, जो बड़े बड़े सवाल है यानी आप बता दूं तो चैप्टर है आपका फिफ्थ, इसके जो बी है उसके सवाल देता हूँ आठ से लेकर और 13 तक के, तो मैं सवाल लिख दिया क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है, जेपीएस की बुक है, क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक के जो बड़े सवाल हैं सब आपको इसमें आपको मिल जाएंगे ना। और फिर आता है अस्पष्ट फलन, तो अस्पष्ट फलन पर सवाल ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, लिखो चाहो तो अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन में तो छोटा मोटा सवाल दे देना, स्पष्ट फलन यानी कि फिफ्थ सी के छोटे सवाल ले लेना, ठीक है। एक सवाल आता है बड़ा, इसमें अगर मैं देखूं तो सवाल है हमारे पास जैसे ऐसा सवाल उभर आता है, वो सवाल है क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई बराबर जीरो phi of xy बराबर जीरो, then del f del x into del phi del y बराबर del f upon del y into del phi upon del x, ठीक है, ये थोड़े कंसेप्चुअल सवाल होते हैं, ये प्रथम प्रमेय जो है उस पर आधारित है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इरेज मैं कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर थर्ड जहाँ सवाल करने हैं, ठीक है, वही सवाल बता रहा हूँ जो करने लाए, ठीक है, अगला है हमारा चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ, ठीक है, थर्ड में हमारे पास सबसे पहले चाप के अपवलज,
तो चाप के अपलज में, ठीक है, इसमें सभी उदाहरण ये करने हैं आपको, ठीक है। पांच पांच नंबर सवाल आ जाएंगे इसमें, पांच नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। और इसके बाद आता है पदिश समीकरण, तो पदिश समीकरण इंपॉर्टेंट है, पदिश समीकरण इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पदिश समीकरण में प्रूफ करना, फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए ना, फॉर्मूला ड्राइव, ठीक है, यह आपको आना चाहिए। तो पदिश समीकरण कैसे दो टाइप के होते हैं, अभी सवाल में कराए थे आपको, कार्तीय रूप वाले और ध्रुवीय रूप के। तो चैनल पर लेटेस्ट वीडियोस हैं इस पर, ठीक है, चाप के अवकलज और पदिश समीकरण। मैं तो कह रहा हूँ कि चैनल की वीडियो देख लीजिए, चैनल की वीडियो मिनट्स ऑफ मैथ्स की, ठीक है भाई, मिनट्स ऑफ मैथ्स की वीडियोस आप देख लीजिए, जो इस पर बेस अभी हमने कराया था वो, ठीक है। वो सवाल मैं दे देता हूँ यहाँ पे जो आपको लगे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे सवाल है आपका, क्वेश्चन है हमारे पास, मैं कराया हुआ है, आर की पावर एम बराबर ए की पावर एम कॉस एम थीटा, तो डी एस अपॉन डी थीटा बराबर ए सेक एम थीटा की पावर एम माइनस वन अपॉन एम एंड ए स्क्वायर एम डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस एम आर की पावर टू एम माइनस वन बराबर जीरो, ठीक है। इन्हीं में से सवाल मिलेंगे, चाहे एग्जाम के बाद देख लेना आप, ठीक है, इस तरह के सवाल है आपके सामने। पहले वो एग्जाम्पल्स सारे कर जाइए, एग्जाम्पल्स जितने भी करेंगे अपने आप के बेनिफिट है। ऐसे ही है आपका वक्रता, चैप्टर नंबर फोर, वक्रता यानी कर्वेचर, ठीक है भाई, कर्वेचर से ही सवाल आपका बन जाता है, इसमें भी आपको एग्जाम्पल्स सारे करने हैं, ठीक है, ऑल एग्जाम्पल्स। और कुछ क्वेश्चन अगर बनते हैं तो बता दो आपको इस तरह के बनते हैं क्वेश्चन। तो बन जाता है आपका वाई बराबर ए एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या रो टू रो अपॉन ए की पावर टू बाई थ्री बराबर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सवाल है आपका, इससे सवाल आपको इसमें करने हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब बात आती है नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर सिक्स और सेवन, काफी अच्छे चैप्टर से ये सेवन चैप्टर की बात करूं अगर तो आपके पास चैप्टर नंबर है सेवन और ये चैप्टर नंबर सेवन है, ये है मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, उच्चिष्ट निम्निष्ट। तो पहली बात तो यह है कि इसमें शुरुआत ही करनी है आपको दो चरों वालों से, ठीक है, दो चरों वालों से सवाल शुरुआत करनी है, उसे मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें तो काफी अच्छे सवाल है जो आपको मिल सकते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, u बराबर x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस के 3axy का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो, तो मैं निम्नतम मान बिंदु निम्नतम मान ज्ञात करो, ठीक है, पहले बिंदु निकालेंगे
और फिर उस पर निकालेंगे मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह, क्यू बराबर साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, और या फिर साइन एक्स प्लस साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई। एक सवाल मैंने करवाया हुआ है इसमें मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, और ये कर लेना आप। सवाल ये वाला लिखा है ना, क्यू बराबर एक्स वाई प्लस ए क्यूब वन बाई एक्स प्लस वन अपॉन वन। ठीक है, ये सॉल्यूशन सब मैंने करा रखे हैं यहाँ पर, देख लेना आप लोग। सवाल आता है लैग्रांज विधि, लैग्रांज विधि अनिर्धारित गुणांकों की, अनिर्धारित गुणांकों की लैग्रांज विधि। फिर आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी एग्जांपल्स हैं या फिर तीन एग्जांपल्स लेना काफी है, मोस्ट है। ठीक है, ये करना है, इससे सवाल कर लोगे ना तो वैसे भी आपको ओके सवाल आ जाएगा, पता चल जाएगा, और इन दोनों में से सवाल करोगे तो यही आ सकते हैं सवाल, अच्छी बात नहीं, यही आ जाएंगे आपके, इसमें पास नहीं जाएगा, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप एग्ज़ाम पेपर दोगे। ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।